पूरे उत्तर भारत के साथ कैथल जिले में भी शीत लहर का प्रकोप जारी है। तीन दिनों से सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए। बुधवार को पुंडरी में हल्की बूंदाबांदी के बाद लोग अलाव तापते नजर आए। सर्दी और कोहरे के कारण असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो गए हैं। मंगलवार की रात कैथल की नई अनाज मंडी में चोरों ने एक गोदाम से 1.5 लाख रुपए का माल गायब कर दिया। कन्फेक्शनरी होलसेल एंड सप्लाई का काम है जी। हम रात को ठीक ठाक अपने गोदाम को सही करके ठीक 7 बजे दुकान को लॉक लगा के अपने घर चले गए। सुबह पता चला पड़ोसियों द्वारा भी आपकी दुकान का शटर टूटा हुआ है। आके देखा तो हमारा काफी नुकसान हुआ पाया। हमारा लगभग 100 के लगभग मैगी की पेटी, नूडल की 100 पेटी, बिस्किट 100 कट्टे हुए लगभग चावल हैं जी, जिनकी वैल्यू लगभग 1.5 लाख के करीबन है। मेरी माता जी मंदिर जा रही थी तब एक पड़ोस वाली औरत ने उनको बताया भी आपके गोदाम का शटर टूटा हुआ है। नहीं, रात को पुलिस की गाड़ी गश्त पे होती है इस एरिया में। 6 महीने पहले भी इस इलाके से एक चक्की का शटर तोड़कर गेहूं की 65 बोरियां चोरी कर ली गई थी, लेकिन अभी तक चोरी की इस घटना का कोई सुराग नहीं लग पाया है। 2019 में चोरी हुई थी जी, 44 बैग उसके ले गेहूं के लेके थे उठा गया, चक्की का शटर तोड़ गए। चक्की है कदे पास? हाँ जी, 32 क्विंटल माल ले गए थे उठा गए, लगभग 65,000 की। आज तक कोई कार्रवाई तो चलो FIR तो कर ली थी, कोई वो कार्रवाई नहीं हुई जी मेरी। आगे SP साहब से मिल लिया मैं 2-3 बार, रिंता मिलता रहा जी रोज। यह इलाका कैथल की पास कॉलोनी मॉडल टाउन के नजदीक पड़ता है। इसके बावजूद चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत है। ये कांड देख के पहले हुआ है 4 महीने पहले वारदात, मेरा भी दिल घबराता है जी। मैं गरीब आदमी हूँ, बताओ चौकीदार रखने की तो मेरी यहाँ क्षमता नहीं है जी। रात को बताओ कहाँ किसके भरोसे अपनी दुकान छोड़ के जाए। ये मॉडल टाउन एरिया कैथल शहर का सबसे पास इलाका है, यहाँ पर सबसे पास इलाका, और यहाँ पर भी चोरियाँ होती है, हर 2 महीने में चोरी होती है यहाँ पर। बताओ पहले यहाँ चक्की में चोरी हुई, अब ये गोदाम में चोरी हुई, साथ में मेरी दुकान है। कल मेरे भी नंबर आवागा जी। हाँ, पुलिस चौकी यहाँ नजदीक है, मगर अब तक कोई चोर नहीं पकड़ा गया जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी चोरों के खिलाफ। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़े और हमारा माल बरामद किया जाए। ज्यादा से ज्यादा यहाँ 200 गज की दूरी पे चौकी है, मॉडल टाउन के पास एरिया है। हर रात को लगभग लगभग लोग बाग आते जाते रहते हैं 10-11 बजे तक। हाँ, और बढ़िया इलाका है, फिर सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए लोग फिर निकल जाते हैं 4 बजे। और ये आज पहले भी यहाँ चोरी हुई थी चक्की वाला के, इसका भी समझे ना, तो उसकी भी कोई अड़तल पड़तल नहीं निकली बात की। अब तो ये प्रशासन ही करेगा जो कुछ भी करेगा जी। प्रशासन ऐसे तो इतना बढ़िया इलाका होने के बावजूद भी यहाँ कोई माल सेफ नहीं है, कोई बात सेफ नहीं है बिल्कुल भी। चोरों को पकड़ा जाए और माल बरामद कराया जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कैथल की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।